हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, लिवर की जितनी भी डिसीज़ होती हैं उसमें जो मोस्ट कॉमन लिवर डिसीज़ देखने को मिल रही है वो है फैटी लिवर। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 30-40% एडल्ट पॉपुलेशन इसी से सफ़र कर रहा है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम फैटी लिवर क्या होता है, उसके सिम्टम्स, कॉजेस और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। लिवर सेल्स में अगर फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हम फैटी लिवर कहते हैं। वैसे तो ये बहुत हार्मलेस कंडीशन है, लेकिन अगर फैट का एक्यूमुलेशन हमारे लिवर सेल्स में बढ़ जाए तो ये हमारे लिवर को परमानेंटली डैमेज कॉज कर सकती है, यहाँ तक कि लिवर सिरोसिस और कंप्लीट लिवर फेलियर तक की भी कंडीशन आ सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ममता, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं कुछ आपको होम्योपैथिक मेडिसिंस बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी फैटी लीवर की कंडीशन को टोटली रिवर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, लिवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है और इसका हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। लिवर हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है, साथ ही हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स फॉर्म होते हैं उसको रिमूव करने का काम भी लिवर का ही होता है। लिवर हमारे बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी प्रोड्यूस करने का काम करता है जिससे हमारे बॉडी में हीलिंग, रिपेयर और सेल ग्रोथ में हेल्प होती है। साथ ही लिवर हमारे बॉडी में एनर्जी और विटामिन्स का स्टोर हाउस भी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में। इसके दो मेन कॉज होते हैं, पहला ओबेसिटी और अल्कोहलिज्म। ये दो मेन कॉज होते हैं फैटी लिवर के। अदर कॉजेज भी हो सकते हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई ब्लड प्रेशर लेवल, ये सारे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है फैटी लिवर के लिए। लिवर सेल्स में जब हमारे फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है तो वहाँ के सेल्स हमारे इन्फ्लेम होने लगती है और धीरे धीरे वो हमारे सेल्स को डैमेज कॉज करने लगती हैं और फिर लास्टली वहाँ पे सिरोसिस और कंप्लीट लीवर फेलियर की कंडीशन भी आ जाती है। दोस्तों, फैटी लीवर तीन ग्रेड्स में यूजुअली देखा जाता है। जो पहला ग्रेड है फैटी लीवर का, उसमें लिवर के आसपास फैट जमा हो जाता है लेकिन वहाँ पर इन्फ्लेमेशन नहीं होता। ग्रेड टू फैटी लीवर में लिवर के अंदर फैट का एक्यूमुलेशन इतना बढ़ जाता है कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। और ग्रेड थ्री फैटी लीवर में लिवर के अंदर फैट का एक्यूमुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वहाँ के सेल्स डेड होने लगती है और वो इरिवर्सिबल कंडीशन में चला जाता है। साथ ही वहाँ लिवर सिरोसिस और कंप्लीट लिवर फेलियर तक की भी कंडीशन आ जाती है। यूजुअली रिसर्चेस में ये अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों को लिवर सिरोसिस हो जाता है उन लोगों के अंदर लिवर कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, इसके सिम्टम्स इस प्रकार से हैं, जैसे कि अगर आपको नौशिया वॉमिटिंग हमेशा लगता है, साथ ही आपको थकान और कमज़ोरी हमेशा महसूस होती है और आपको राइट अपर एब्डोमेन में पेन होता है, मतलब जहां लिवर प्रेजेंट होता है उस साइड हमेशा आपको पेन बना रहता है, शरीर में पीलापन दिखना और आपकी स्टूल्स हार्ड होना, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, ये सारे अगर सिम्टम्स मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ये फैटी लिवर के ही लक्षण हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जो होम्योपैथिक मेडिसिन है फैटी लीवर के लिए वो है चैलिडोनियम। ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेडिसिन है फैटी लीवर की कंडीशन को ठीक करने के लिए। ये उन पेशेंट्स को लेना चाहिए जिन लोगों में फैटी लीवर के साथ राइट अपर एब्डोमेन में पेन रहता है, साथ ही उनका पेन राइट स्कैपुला तक रेडिएट होता है। इस कंडीशन में आपको चैलिडोनियम का सेवन करना चाहिए। साथ ही जो चैलिडोनियम के पेशेंट्स होते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन, नौजिया, वॉमिटिंग हमेशा बना ही रहता है। साथ ही अगर आपको फैटी लीवर के साथ जॉन्डिस की कंडीशन अगर आपको मिलती है तो ये वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी है आपकी फैटी लीवर की कंडीशन को रिवर्स करने के लिए। इस मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 3 बार और कम से कम 1 महीने तक लेना चाहिए। इस मेडिसिन के सेवन करने से आपकी फैटी लीवर की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो सकती है। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन जो हमारे दिमाग में आती है वो है लाइकोपोडियम।
लाइकोपोडियम भी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इस मेडिसिन का सेवन उन लोगों को करनी चाहिए जिन लोगों में फैटी लीवर के साथ खाने के जस्ट बाद उनको गैस बनने लगता है, या वो थोड़ा सा ही खाना खाते हैं और उनका पेट भर जाता है, बहुत ही हैवीनेस और डिस्टेंशन जैसा महसूस होता है, तो उस कंडीशन में फैटी लीवर के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। जो लाइकोपोडियम के पेशेंट्स होते हैं उनको शाम के समय इनकी प्रॉब्लम हमेशा बढ़ जाती है, साथ ही इन पेशेंट्स को हमेशा गर्म खाने की डिज़ायर रहती है और स्वीट्स की भी डिज़ायर रहती है। दोस्तों इस मेडिसिन को भी 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग और साथ ही 1 महीने तक सेवन करने से जो फैटी लिवर की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। तीसरी मेडिसिन है फॉस्फोरस। इस मेडिसिन को उन पेशेंट्स को लेना चाहिए जिनमें फैटी लीवर के साथ अपच की कंडीशन होती है, मतलब खाना खाने के जस्ट बाद उनको ऐसा लगता है कि उनका खाना ऊपर की तरफ आ रही है, तो उस कंडीशन में ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। साथ ही जो पेशेंट्स होते हैं उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और वो गर्म पानी बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते, जैसे ही वो गर्म पानी पीते हैं वैसे ही उन्हें उल्टी जैसा लगने लगता है और वो उल्टी कर भी देते हैं। साथ ही ये जो पेशेंट्स होते हैं उनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, खट्टी डकारें आती है और जो उनका स्टूल और फ्लैटस होता है वो बहुत ही ज़्यादा बदबूदार होता है। दोस्तों अगर ऐसे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो इस कंडीशन में आप फॉस्फोरस का सेवन कर सकते हैं। इस मेडिसिन का सेवन आपको 30 पोटेंसी में करना है, साथ ही इस मेडिसिन को 2 ड्रॉप्स टंग पे लेना है और दिन में 3 बार साथ ही 1 महीने तक कंटिन्यू करने से इस मेडिसिन से फैटी लीवर की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो सकती है। दोस्तों तीसरी मेडिसिन है कैल्केरिया काब। कैल्केरिया काब भी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इस मेडिसिन को उन पेशेंट्स को लेना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा ओबीज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं, उनके शरीर में बहुत ही ज़्यादा मोटापा होता है, उनके एब्डोमेन में और लीवर में फैट का एक्युमुलेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। ये जो पेशेंट्स होते हैं बहुत ही कम काम करते हैं, उनका डाइजेशन इसकी वजह से बहुत ही स्लो होता है और साथ ही इनको कॉन्स्टिपेशन हमेशा बना रहता है। ये जो पेशेंट होते हैं ये मिल्क किसी भी फॉर्म में टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और जो पेशेंट होते हैं उनको बॉइल्ड एग्स खाने की डिज़ायर होती है, साथ ही और कुछ स्ट्रेंज थिंग्स भी बहुत ही पसंद करते हैं जैसे कि चॉक पेंसिल, ऐसी चीज़ें खाने की इनको बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर होती है। दोस्तों अगर ऐसे लक्षण आपको मिल रहे हैं तो इस केस में आप कैल्केरिया काब मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। इस मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग कम से कम 1 महीने तक सेवन करना है। इस मेडिसिन की हेल्प से आप अपने फैट को बिल्कुल बर्न कर सकते हैं। दोस्तों पांचवी मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका भी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है फैटी लीवर की कंडीशन को रिवर्स करने के लिए। इस मेडिसिन को उन पेशेंट्स को लेना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा एल्कोहल टी और कॉफ़ी का सेवन करते हैं, साथ ही जो नक्स वोमिका के पेशेंट होते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ही ज़्यादा रहता है, एक बार में उनका पेट साफ नहीं हो पाता, वो एक बार जाते हैं और फिर वापस आते हैं तो उनको लगता है कि नहीं एक बार और जाना चाहिए। साथ ही ये जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा एल्कोहल टी और कॉफ़ी की डिज़ायर भी होती है। दोस्तों अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो नक्स वोमिका बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है फैटी लीवर की कंडीशन को ठीक करने के लिए। दोस्तों आप इन मेडिसिंस को अपने लक्षण के आधार पर ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।